आपने रिपोर्टर अकाउंट किस तरह बनाना है, क्या आपको उसके लिए ओल्ड अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, आपको उसके लिए फॉलोअर अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, आपको उसके लिए रियल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, आपको उसके लिए वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो इस पूरी वीडियो में आप लोगों को जस्ट ये बताऊंगा कि आपने रिपोर्टर अकाउंट किस तरह बनाना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शमसी एंड आज आप लोगों को बस यही बताऊंगा कि आपने रिपोर्टर अकाउंट किस तरह बनाना है। तो फ्रेंड्स, चलते अपने ट्रिक की तरफ, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते अपने ट्रिक की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है ओल्ड आईडीज के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट से आपने ओल्ड अकाउंट लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो ओल्ड अकाउंट 2015 से नीचे हो, 2015 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। 2015 से आपका अकाउंट नीचे होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपकी रिपोर्टिंग वर्क करेगी। फर्स्ट बात क्या है कि आपने एक ओल्ड अकाउंट लेना है जो 2015 से नीचे हो, ठीक है फ्रेंड्स। उससे आप जब रिपोर्टिंग करोगे तो इंशाल्लाह आपकी रिपोर्टिंग 100% वर्किंग होगी। तो ये रही फर्स्ट ट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं सेकेंड ट्रिक की तरफ। तो सेकेंड ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, आपने अपने अकाउंट को पर फॉलोअर चाहिए, ठीक है। कितने फॉलोअर आपने, ज़्यादा से ज़्यादा 1K से ऊपर, अगर आपके पास कम से कम 1K तो होने चाहिए, मतलब 1000 फॉलोअर आपके पास होना चाहिए लाजमी रिपोर्टिंग अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गई दो ट्रिक, आपने समझ लिया। फर्स्ट, आपके पास जितना ज़्यादा ओल्ड अकाउंट होगा उतनी आपकी रिपोर्टिंग 100% वर्क करेगी। दूसरी, आपके पास रिपोर्टिंग के लिए 1000 फॉलोअर चाहिए अकाउंट पर, कि आपके पास अकाउंट में 1000 फॉलोअर होने चाहिए। ये हो गई दो ट्रिक। एंड थर्ड ट्रिक, तो फ्रेंड्स जो हमारी तीसरी ट्रिक है वो है एक रिएक्टर अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। रिएक्टर अकाउंट का मतलब कि आप जब भी पोस्ट करो तो आपके पोस्ट पे लाइक कमेंट्स ज़रूर आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हुआ रिएक्टर अकाउंट्स, तो फ्रेंड्स आपने अपने अकाउंट को रिएक्टर्स अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो ये एक अकाउंट है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसके 183 लाइक्स है, ठीक है, रिएक्ट, एंड टोटल कमेंट्स 647 है इसके एक पोस्ट पे, ठीक है, जो इसने 5 अगस्त को अपलोड की थी। अब इसको 18 जुलाई को इसने एक पोस्ट अपलोड की है जिस पे 288, ठीक है, एंड 1K से ऊपर कमेंट्स है, ठीक है। तो इस तरह आपने एक रिएक्टर अकाउंट भी उसको बनाना है, ठीक है फ्रेंड। तो उससे भी मतलब आपका अकाउंट 100% रिपोर्टिंग वर्क करेगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई तीन स्टेप। तो अब चलते अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप है कि आपने अकाउंट को डबल वेरीफाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। डबल वेरीफाई का मतलब एक बार आपने डिसेबल करके वेरीफाई कर लेना है एंड सेकेंड बार आपने विदाउट डिसेबल लिंक से वेरीफाई कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट आपने दो बार मतलब अपने अकाउंट को वेरीफाई भी कर लेना है। तो ये हो गई चार स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपने ओल्ड अकाउंट लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड स्टेप आपने 1K से ऊपर फॉलोअर रखने चाहिए अकाउंट पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गई दो स्टेप। तीन स्टेप है आपने अपने अकाउंट को रिएक्टर अकाउंट बनाना है एंड फोर स्टेप आपने अपने अकाउंट को डबल वेरीफाई करना है। तो ये हो गई चार स्टेप। एंड अब जो फाइव स्टेप है, ठीक है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोग बता दूँ।
फ्रेंड्स, तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है, ठीक है। इस पे आप देख सकते हो 1610 फॉलोअर है, ठीक है फ्रेंड। तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे एडिट पब्लिक डिटेल इस पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने नीचे स्क्रॉल कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। एडिट योर इन्फो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब आपने हार्ड वर्क, ठीक है, एक्सपीरियंस इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है फेक अकाउंट रिपोर्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक पेज है, इस पे आपने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया ऐड। फिर आपने इस पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने फिर से लिखना है फेक अकाउंट एक्सपोजर, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख लो, एक्सपोज दी रिपोर्ट फेक अकाउंटिंग, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर लेना है, इसको भी ऐड कर लेना है, ठीक है। ये हो गई। फिर आपने एक बार फिर से फेक अकाउंट रिपोर्टर लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप लिखोगे फेक अकाउंट रिपोर्टिंग, ये आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। ये तीन हो गई ऐड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई ऐड। तो फ्रेंड, जो हमारी अब जो हमारी सिक्स स्टेप है ना, वो है आपका अकाउंट का नेम एंड पिक, ये दोनों मैंने एक साथ रखी है, क्योंकि ये दोनों बहुत लाजमी है। अगर आपका अकाउंट का नेम फेक होगा एंड पिक भी उसमें फेक होगी, तो भी आपके अकाउंट से इतनी ज़्यादा रिपोर्ट वर्क ना करेगी, वो भी आज के टाइम। पहले वर्क करती थी, बट आज के टाइम में वर्क नहीं करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने क्या कर लेना है, फर्स्ट आपने अकाउंट का नेम भी रियल करना है, एंड जिसमें आप पिक अपलोड करोगे वो पिक भी रियल होने चाहिए। तो ये हो गई सिक्स, ठीक है। तो सिक्स स्टेप आपने फॉलो करने हैं, इंशाल्लाह आपका अकाउंट रिपोर्टिंग रिपोर्टर अकाउंट बन जाएगा, एंड हर मतलब हर जिस आईडी पे आप रिपोर्ट करोगे, इंशाल्लाह उससे 100% वो आईडी उड़ेगी। बट जब आप ये 6 स्टेप फॉलो करोगे एंड इसको कंप्लीट करोगे, तब अगर ये इनमें से एक भी रह गया ना, तो फिर भी चांसेस है कि आपका अकाउंट में वर्क ना करे। बट जब आप ये 6 कंप्लीट करोगे तो इंशाल्लाह वर्क करेगी एंड 100% करेगी, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, टेक केयर।